महाराष्ट्र के रायगढ़ समुद्र में संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया। नाव पर 147 राइफलें और कुछ कारतूस बरामद मिले हैं। इसके बाद पूरे रायगढ़ जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हथियारों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर तट पर समुद्र में संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया। नाव पर 147 राइफलें और कुछ कारतूस मिले। इसके अलावा नाव में विस्फोटक भी था। इसके बाद पूरे रायगढ़ जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हथियारों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नाव को अपने कब्जे में ले लिया है। ये नाव समुद्र के किनारे मिली। पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जहां पर ये बोट मिली वो जगह मुंबई से 200 किलोमीटर और पुणे से 170 किलोमीटर दूर है। रायगढ़ के एसपी अशोक दुबे ने हरिहरेश्वर तट पर नाव में 147 मिलने की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने अभी तक और कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि बोट ऑस्ट्रेलियन है, इस पर कुछ लोग सवार थे। हालांकि इन लोगों ने कोस्ट गार्ड को हरिहरेश्वर तट पर आने की भी सूचना नहीं दी। समुद्री इलाके में आतंकियों के आने की संभावना हमेशा बनी रहती। इससे पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। उस वक्त लश्कर के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से भारत आए थे। समुद्र तट पर नाव छोड़ने के बाद आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने दो होटलों, एक अस्पताल और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। इस हमले में 160 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीक शक्ति।